जी, अब कल जो क्वेश्चन दिए थे एक दफा इनको मैं जरा डिस्कस करता हूँ ताकि आप लोग अपने आंसर चेक करते जाएं। तो क्वेश्चन 15 था ऑटम 2010 का, कह रहा फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन टू क्लॉथ इंडस्ट्रीज लिमिटेड फॉर इट्स फाइनेंशियल ईयर एंडेड 30 जून 2010। नंबर वन, कंपनी सेल ऑल इट्स प्रोडक्ट ऑन वन ईयर वारंटी विच कवर ऑल टाइप ऑफ डिफेक्ट्स। प्रीवियस हिस्ट्री इंडिकेट्स दैट 2% ऑफ द प्रोडक्ट कंटेन मेजर डिफेक्ट्स वेयर एज 10% हैज माइनर डिफेक्ट्स। इट इज एस्टिमेटेड दैट इफ मेजर डिफेक्ट वर डिटेक्टेड इन ऑल प्रोडक्ट सोल्ड रिपेयर कॉस्ट वुड बी 150 मिलियन, एंड इफ माइनर डिफेक्ट वर डिटेक्टेड इन ऑल प्रोडक्ट सोल्ड देन रिपेयर कॉस्ट वुड बी 70 मिलियन। टोटल सेल फॉर द ईयर अमाउंटिंग टू 830 मिलियन। अच्छा, रिक्वायरमेंट स्टाफ से वही कहा था, डिस्क्राइब हाउ ईच ऑफ द अबव इश्यू शुड बी डेल्ट विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 30 जून 2010। सपोर्ट योर आंसर इन द लाइट ऑफ रेलिवेंट आईएसएस एंड क्वांटिफाई द इफेक्ट वेयर पॉसिबल। क्वांटिफाई द इफेक्ट मतलब मॉनेटरी टर्म में आप उसको बता दीजिएगा जहां कहीं आपके लिए पॉसिबल हो रहा हो। तो ये उसने आपको इसके अंदर सारा डेटा दिया हुआ है। अच्छा, अब कह रहे कि आप लोग ना वारंटी देते हैं अपने कस्टमर्स को, और कह रहे कि हमारा पास्ट हिस्ट्री पास्ट एक्सपीरियंस ये शो कर रहा है कि 2% चांसेस होते हैं कि मेजर डिफेक्ट पाया जाए और 10% चांसेस होते हैं कि माइनर डिफेक्ट पाया जाए। अच्छा, अब आप लोगों का एक्सपेंस कितना है और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? अच्छा, उसने आपको क्या कहा, 2% चांसेस हैं कि मेजर डिफेक्ट पाया जाए, और कितनी कॉस्ट आएगी इस पे? 150, और 10% चांसेस है कि माइनर डिफेक्ट पाया जाए 70 मिलियन। इसका मल्टीपल आउटकम हो गए। जब मल्टीपल आउटकम्स हो फिर क्या चेक करते थे, आके रिकरिंग आइटम है कि नॉन रिकरिंग। अब ये वारंटी का इश्यू है, ये कौन सी है, रिकरिंग। अगर रिकरिंग हो तो किस अमाउंट का प्रोविजन क्रिएट करते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू। इसका मतलब आपको इसकी निकालना पड़ेगी एक्सपेक्टेड वैल्यू। 150 का 2% 3, 70 का 10% 7, इसका 10 मिलियन की आपको प्रोविजन क्रिएट करना होगी। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट था। अच्छा, आगे देखते हैं। कह रहे हैं ऑन 18th of July 2010, यानी रिपोर्टिंग डेट के बाद, क्योंकि रिपोर्टिंग डेट आपकी 30 जून थी, तो कह रहे हैं कि July 2010 कंपनी वो सूड बाय एन एम्प्लॉय क्लेमिंग डैमेजेस 6 मिलियन ऑन अकाउंट ऑफ इंजरी कॉस्ट टू हिम ड्यू टू एज वायोलेशन ऑफ सेफ्टी रेगुलेशन ऑन द पार्ट ऑफ द कंपनी वाइल ही वॉज वर्किंग ऑन द मशीन ऑन 15th of June 2010। कह रहे आपके एम्प्लॉय ने आफ्टर रिपोर्टिंग डेट केस किया कि जी मेरी इंजरी हुई है काम करते वक्त, इन्होंने सेफ्टी रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया था। और वो कहते हैं इंजरी कब हुई, 15 जून को हुई थी, मतलब रिपोर्टिंग डेट से पहले वो मसला हो चुका है। तो इसका मतलब यहां से देखा जाए तो बजाहिर एडजस्टिंग बनता है, नॉन एडजस्टिंग एडजस्टिंग है, क्योंकि ऑब्लिगेटिंग इवेंट आप लोगों का ईयर एंड से पहले हो चुका था। अब आगे आपको क्या कहते, कह रहे बिफोर फाइलिंग द सूट द ही कॉन्ट्रेक्टेड द मैनेजमेंट ऑन 29 जून एंड आस्क फॉर कॉम्पनसेशन ऑफ 4 मिलियन विच वॉज टर्न डाउन बाय द मैनेजमेंट। कह रहा है वैसे 29 जून को ना केस करने से पहले वो हमारे पास आया था कि 4 मिलियन मुझे दे दो, कहता हम लोगों ने इनकार कर दिया। अब उसने केस कितने का कर दिया, 6 मिलियन का। अच्छा, अब कह रहे लॉयर ऑफ द कंपनी एंटिसिपेट दैट कोर्ट में अवॉर्ड कॉम्पनसेशन रेंजिंग बिटवीन 1.5 to 3 मिलियन, हाउएवर इन हिज व्यू द मोस्ट प्रोबेबल अमाउंट इज 2 मिलियन। कह रहे अब आपका लीगल एडवाइजर कह रहा है कि आपका एक्सपेक्टेड आउटफ्लो है, चांसेस हैं 1.5 से लेके 3 मिलियन तक का फाइन पड़ जाए जो आपको उसको देना पड़े, लेकिन वो कहता है वैसे मेरी बेस्ट जजमेंट ये कहती है वो 2 मिलियन बनेगा।
तो देखिए 1.5 से 3 के दरमियान ही बन रहा है ना, तो वो कह रहा है कि लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन है 2 बनेगा। क्या एक्सपेक्टेड है आउटफ्लो होगा? क्या रिलायबल एस्टिमेट हो रहा है? तो फिर क्या करना चाहिए? प्रोविजन क्रिएट करना चाहिए। तो फिर आप लोग क्या कर देंगे? 2 मिलियन की प्रोविजन क्रिएट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट। On November 1, 2009, a new law was introduced requiring all factories to install specialized safety equipment within 4 months. अच्छा, लॉ कब पास हुआ? 1 नवंबर को, ठीक है, रिपोर्टिंग डेट से पहले पास हो गया। और कह रहे उन्होंने 4 महीने दिए हैं, 4 महीने में आप सेफ्टी इक्विपमेंट लगवा लो। इसका नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, तो यहां से आपके 4 महीने पूरे हो जाते हैं बाय द एंड ऑफ फरवरी। अच्छा, आगे क्या कहता है? कह रहे इक्विपमेंट कॉस्टिंग 5 मिलियन वॉज ऑर्डर्ड ऑन 15th of December 2009 अगेंस्ट 100% एडवांस पेमेंट, बट सप्लाई डिलेड इंस्टॉलेशन टू July 31, 2010। अच्छा, कब तक इसको इंस्टॉल? ठीक है, तो ये थर्ड पार्ट एग्जाम मैं जरा दोबारा डिस्कस कर देता हूँ। उसने आपको कहा है कि 1 नवंबर को एक न्यू लॉ पास हुआ जिसके अंदर उन्होंने कहा तमाम फैक्ट्री स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट इंस्टॉल करें विद इन 4 मंथ। तो आपको ने कहा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मतलब 28 फरवरी तक उसकी इंस्टॉलेशन हो जानी चाहिए। कहते हैं हम लोगों ने तो दिसंबर में ही ऑर्डर प्लेस कर दिया था, बट सप्लायर ने डिले कर दिया, उसने जुलाई कर डाला। अब इसका मतलब इंस्टॉलेशन हुई जुलाई को, मतलब 1 मार्च से ऑनवर्ड आप वॉयलेशन करते आ रहे हो। ठीक है, वो किसी के भी एंड की वजह से हो लेकिन वॉयलेशन होगी। कह रहे अगस्त के अंदर रिपोर्टिंग डेट के बाद अथॉरिटीज ने आपको नोटिस भेजा कि आपको 0.4 मिलियन का फाइन हो गया है, 0.1 मिलियन पर मंथ वॉयलेशन के हिसाब से। तो अब ये कह रहा है कि हमें नोटिस आ गया, और मीन वाइल कह रहा है हमने सप्लायर के खिलाफ सूट फाइल कर दिया कि इसकी वजह से हुआ ये हमें पैसे दे। तो आपको मैंने कहा है कि यहाँ पे एक तरफ आपको फाइन भरना पड़ रहा है, दूसरी तरफ आपको रीइंबर्समेंट के चांसेस नजर आ रहे हैं। स्टैंडर्ड ने आपको क्या गाइड किया हुआ है कि अलग अलग दोनों का टेस्ट करना चाहिए। तो पहले तो हम आ जाते हैं प्रोविजन पे, क्या रिपोर्टिंग डेट से पहले वॉयलेशन हो चुकी या नहीं? हो चुकी, इसका ऑब्लिगेटिंग इवेंट तो पहले ही हो गया। अब ऑब्लिगेटिंग इवेंट चूंकि पहले हो गया और बाद में आपको नोटिस आ गया, अब नोटिस आ गया तो डैमेजेस तो देने पड़ेंगे, और अमाउंट भी पता है कि 0.4 मिलियन देना पड़ेगी। ठीक है, इसका मतलब प्रोविजन का रिकग्निशन क्राइटेरिया फुलफिल हो गया, 0.4 मिलियन की प्रोविजन बुक करें, मतलब एक तरफ 0.4 को एक्सपेंस शो करा दें, दूसरा लाइबिलिटी बना लें।
अब आ जाते हैं सेकंड एस्पेक्ट पे, कहते हैं हमने सूट फाइल कर दिया, क्या एक्सपेक्टेड है इनफ्लो होगा? ठीक है, एक्सपेक्टेड तो है ना, ना हो तो फिर आप फाइन भी केस भी ना करते, केस पे भी तो पैसे लगते हैं, इसका एक्सपेक्टेड है, क्या वर्चुअली सर्टन हो गया? नहीं, वर्चुअली सर्टन नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे? डिस्क्लोज करेंगे। ठीक है, तो आप वो जो डैमेजेस आप क्लेम कर रहे हैं उसको आप डिस्क्लोज कर दीजिएगा, हो जाएगा। तो ये वो क्वेश्चन था जो कल मैंने आपको करने के लिए दिया था। अच्छा, इसका 16 वाला भी देख लें। आपको मैंने कहा था ये जो 16 क्वेश्चन था, इस एक्चुअली इसमें कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एंड रिस्टोरिंग द साइट, उसको उसने टेस्ट किया हुआ था। देखिएगा इस क्वेश्चन को, कह रहे क्रीम लिमिटेड बॉट अ स्पेशल पर्पस इंजीनियरिंग प्लांट ऑन January 1, 2015 एट अ कॉस्ट ऑफ 1755 मिलियन इंक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स 17% रिफंडेबल। जी, आपको कह रहे क्रीम लिमिटेड जो है उसने कोई प्लांट खरीदा 1755 मिलियन का, और इसमें कह रहे सेल टैक्स शामिल है जो कि रिफंडेबल है। क्या रिफंडेबल टैक्स एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनता है? नहीं, इसको इसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। आगे आपको कह रहे कंपनी इज रिक्वायर्ड टू डीकमीशन द प्लांट आफ्टर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर, डीकमीशनिंग कॉस्ट इज एस्टिमेटेड एट 300 मिलियन, एप्लीकेबल डिस्काउंट रेट इज 11%। आपको ने कहा था ना, जब भी फ्यूचर कैश फ्लो की बात करते हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ जाती। कहते हैं 2 साल के बाद डिसमेंटल करूंगा, 300 मिलियन का खर्चा आएगा, तो क्या 300 की प्रोविजन डाल दूं? नहीं, इसकी पहले प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे, उसकी प्रोविजन डलेगी। आगे कह रहे कंपनी यूजेस कॉस्ट मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ इट्स प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, आपको पता है 2 मॉडल होते हैं ना, कॉस्ट मॉडल एंड रिवैल्यूएशन। वो कह रहा है मैं कॉस्ट मॉडल से चलता हूं, और कह रहा है प्लांट इज बीइंग डेप्रिशिएटेड यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। कितनी लाइफ है? 2 ईयर। देखना, लाइफ पूरी होगी तो डीकमीशन होगा ना, जिसका उसकी लाइफ 2 साल थी। कह रहा है प्रिपेयर जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन फॉर द ईयर 2015 एंड 16, खरीदने से लेके 2 साल पूरे होने तक कह रहे सारी एंट्रियां कर दें। ठीक है, अब इसको हम जरा करके देख लेते हैं। अच्छा, अटेम्प्ट है ये स्प्रिंग 17। अब पहले वर्किंग के अंदर इसकी फिगर्स निकाल लेते हैं। अच्छा जी, अब उसने आपको कहा था कि इसकी जो कॉस्ट थी वो 1755 थी। उसने कहा था इंक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स है 17%, और कहता है वो सेल टैक्स क्या है आपके लिए? रिफंडेबल है। इसका मतलब इसमें अगर 17% फिगर शामिल है, ये कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो अगर डिवाइडेड बाय 117 और फिर मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूं तो एक्सक्लूडिंग टैक्स फिगर निकल आएगी। yes, कितना? 15. अच्छा, अब आप लोगों ने मुझे कहा था जो प्रोविजन क्रिएट करनी है वो प्रेजेंट वैल्यू की करनी है। डीकमिशनिंग कॉस्ट थी हमारी 300 मिलियन, ओवर 1.11 रेस टू पार 2। ठीक है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जो फॉर्मूला होता था उसकी प्रेजेंट वैल्यू का निकालना है डिस्काउंटिंग करने के लिए। कितना आता है? 243.4। चलें बस 2 डेसिमल प्लेस पर हम ले लेते हैं। अच्छा, बस ये एक चीज का आप लोग ना ख्याल रखा करें, अगर 2 डेसिमल प्लेस पर राउंड किया फिर सारी फिगर ही 2 पे करें। ये ना हो किसी को आप सिंगल पे ले रहे हो, किसी को 3 पे ले रहे हो,
क्योंकि कोई एक बेस लेना पड़ती है। तो उस वजह से अब मैंने टू डेसिमल प्लेस पे इसको राउंड किया है। अब ऑनवर्ड जो फिगर्स होंगी उसको मैं टू डेसिमल प्लेस पे लिया करूंगा। अच्छा, इसका मतलब आपको ये प्लांट कितने में पड़ा? तो ये इसकी कॉस्ट बन जाएगी। ठीक है, बाकी भी मैं वर्किंग जरा देख लेता हूँ ताकि फिर एक ही दफा एंट्रियां कर दूंगा। प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग, ये अभी आपने ऊपर कैलकुलेट कर ली है ना, 243.49। जब फर्स्ट ईयर एंड होगा तो अनवाइंडिंग इंटरेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 243.49 का 11% 26.7 ऐड करेंगे तो 269.9। ईयर टू जब आएगा फिर अनवाइंडिंग करेंगे। अब 269.97 का 11% लीजिएगा। जी कितना हो गया? चलिए इसको इसको एक ना राउंड करके आना कितना चाहिए, 300, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू आपने 300 की निकाली थी ना, तो इसको 300 आना चाहिए। तो बेशक अब आप इस इंटरेस्ट को बैलेंसिंग डाल के 300 पूरा कर लें या इस तरह। तो बहरहाल अगर इसको मैं 300 करता हूँ तो देखिए ये बैलेंसिंग फिगर कितनी की बनती है। वैसे अच्छा ये वाला, चलिए अच्छा खैर, अब ये आप लोगों ने कहा दिया कि देखें प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है आज की कीमत। ये ईयर जीरो यानी ईयर वन के स्टार्ट की फिगर निकल आई, उस वक्त मैंने कहा इतनी प्रोविजन डालो। जब एक साल खत्म होगा क्या तब भी इसकी परचेजिंग पावर इतनी ही होगी? नहीं, अब एक साल गुजरा तो उसको भी फिर क्या करना लगेगा, उसका इंटरेस्ट एडअप करना पड़ेगा, क्योंकि दो साल के बाद आपने 300 देने हैं, वो 243 नहीं देना। तो हमें इसको दोबारा कन्वर्ट करके 300 पे लेके जाना है। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा उसका इंटरेस्ट ऐड बैक करते जाएंगे, और कंपाउंड इंटरेस्ट में यही होता है ना, इंटरेस्ट ऐड करके अगला इंटरेस्ट निकलता है। इसलिए मैंने देखें इसमें पहले ये ऐड किया, ये फिगर आई, फिर अगला इंटरेस्ट उस पर कंप्यूट किया। अच्छा, अब चूंकि हमें डेप्रिसिएशन की भी जरूरत पड़ेगी तो उसकी भी वर्किंग देख लेते हैं। मेथड वगैरह तो नहीं बताया कोई, स्ट्रेट लाइन रेजिडुअल वैल्यू है नहीं। अच्छा, तो फिर एसेट कितने पे बुक किया था? डिवाइडेड बाय टू। तो ये आप लोगों के पास इसकी डेप्रिसिएशन की फिगर आ गई। जी, अब जब आप लोगों ने 1 जनवरी 2015 को एसेट एक्वायर किया था तो एसेट का नाम क्या था? प्लांट। आप लोगों ने जब प्लांट खरीदा तो प्लांट डेबिट हो जाएगा कितने से?
1743.49, ठीक है, वर्किंग वन से पता चला। सेल टैक्स जो रिफंडेबल है, एसेट बनेगा ना, कितना सेल टैक्स आप लोग दे आए थे? 255, ठीक है। पैसे तो देखे ना आप लोग 1755 दे के आए हो, तो इसलिए वो जो सेल टैक्स दिया है वो आपका बेशक रिफंडेबल है, बट एसेट तो बुक करेंगे। इसका मतलब हमारा बैंक बैलेंस कितने से कम हुआ है? 1755। प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग 243.49, ठीक है। प्लांट आप लोगों का एसेट है, उधर आपने वर्किंग में निकाला है वो 1743.49 का पड़ा। सेल टैक्स जो आप लोग देके आए हो, वो आप लोगों ने कहा था हमें रिफंड हो जाएगा, तो जो चीज रिफंडेबल है वो आपका एसेट है, एसेट इंक्रीज हो तो डेबिट करते हैं, डेबिट हो गया। पेमेंट करके आए थे, बैंक बैलेंस कम हुआ, पेमेंट आप फुल अमाउंट करके आए थे, इसलिए मैंने 1755 से बैंक को कम किया, और प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग वो जो प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी उतने पे बुक कर दी, ठीक है। ये हमने वर्किंग वन में कैलकुलेट की हुई। जब आप लोगों का ईयर एंड आ जाएगा 31st December 2015, ठीक है, ईयर एंड का ख्याल रखिएगा। एग्जामिनर ये भी कर सकोगे 30 जून ईयर एंड है, तो अगर 30 जून ईयर एंड होता तो क्या इंटरेस्ट पूरे साल की बुक कर देता? नहीं, फिर वो 6 मंथ्स की आनी चाहिए, डेफिनेटली भी 6 मंथ्स की आनी चाहिए। अभी खैर ईयर एंड दिसंबर था इसलिए मैं पूरे साल का ले रहा हूँ। ईयर एंड आ गया तो एक तो डेप्रिसिएशन की एंट्री होनी चाहिए, डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वो भी आपने निकाल ली थी 871.75, और इसी डेट पे अनवाइंडिंग इंटरेस्ट भी होगा, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस लिख लें या फाइनेंस चार्जेस लिख लें टू प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग। जी अब पहले साल का इंटरेस्ट कितना बना था? 26.78, ठीक है। ये हमारे पास वर्किंग टू से फिगर आ चुकी थी। अगला ईयर एंड आ गया 31 दिसंबर 2016, अगेन डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 871.75, इसी डेट पे डेप्रिसिएशन की उसकी इंटरेस्ट की एंट्री होगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस टू प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग। अब ये कितना बना था? 26. और अब चूंकि दूसरा साल खत्म हो गया तो फिर डीकमिशनिंग भी तो करनी है, तो अब उस पर खर्चा आ जाएगा, तो क्या वो लाइबिलिटी रही? तो प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग डेबिट और बैंक क्रेडिट कितना? 300। हाँ जी, क्योंकि आपने लाइबिलिटी बुक की हुई थी ना, तब दो साल खत्म हो गए, उसको डिसमेंटल भी कराओगे तो पेमेंट करनी पड़ेगी। सेल टैक्स वो तो जब कभी एडजस्ट होगा उस फ्यूचर में, वो उस वक्त एडजस्ट हुआ करेगा। वो आपने सेल टैक्स पढ़ा होगा ना, टैक्स के अंदर के इनपुट भी होता है आउटपुट भी होता है, वो फिर ऑफसेट करके एडजस्ट हुआ करेगा। तो ये इसका क्वेश्चन था, कितने मार्क्स का है वो? 10 नंबर का आया हुआ था। अच्छा, ये जो प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग होती है, ये भी तो काउंटिंग एस्टीमेट ही है ना आपका, इसमें भी तो चेंज आ सकता है। मतलब आज जब मैंने सोचा, मैंने कहा यार 300 मिलियन का खर्चा आएगा, मैंने हिसाब से प्रोविजन डाल दी,
साल बाद पता चला नहीं महंगाई होगी, 300 का नहीं 400 रुपए का खर्चा आना है। मजीद एक साल गुजरा, आइडिया हुआ नहीं यार 400 ज्यादा हो गया, 350 का आना है। मतलब एस्टीमेट में फर्क पड़ता रहे, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम ये आती थी कि इसको किस तरह कंफर्ट किया जाए, तो इसके लिए फिर इफ्रिक 1 इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। वो भी आपके सिलेबस का पार्ट है, आपने अगर सिलेबस में देखा होगा ना तो मैंने साथ इसके इफ्रिक 1 भी एक लिखवाया हुआ है। जी, तो उसके लिए आपका ने कहा इंशाल्लाह फिर हम लोग इफ्रिक 1 पढ़ेंगे नेक्स्ट, तो उसके अंदर उसको भी कवर करेंगे कि ये जो प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग, अगर इसकी फिगर में कोई चेंज आता है उसको कैसे अकाउंट फॉर करते हैं। एक्चुअली देखें, हम लोगों ने पढ़ा है पोस्ट मॉडल भी होता है, रिवोल्यूशन भी होता है, दोनों के अंदर उसकी ना अलग अलग ट्रीटमेंट बताइए, वो फिर इंशाल्लाह उसमें डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन शेयर किए थे आपके साथ? ओके,
जब देखिएगा जरा क्वेश्चन को, क्वेश्चन 18 जरा निकालिएगा। सर अगर ये हम अलग अलग किस तरह निकालेंगे, तो ये अगर ये हर ईयर की अलग निकालनी हो, दो साल है, हाँ जी, तो अगर इसको अलग अलग निकालना तो कौन से चेंज आ रहा है, मतलब 1.1 पावर 1 करें 1 पर 1.1। देखिए प्रेजेंट वैल्यू आपने कब निकालनी, जिस वक्त एसेट खरीदा है उस वक्त तो आपकी इकट्ठी एक ही फिगर आएगी ना, कि आपने कहा 2 साल के बाद मैंने 300 देना है, ठीक है। डीकमिशनिंग का खर्चा देना तभी होता जब लाइफ खत्म होती है, ये नहीं होता कि आपने किस्तों में देना है। तो एक ही दफा देना है, और वो कब देना है, 2 साल के बाद, ठीक है। अब वो जो आप निकाल रहे होंगे ना 1 साल करके, तो वो आप लोगों के पास अगर तो मतलब इसको 1 साल के लिए डिस्काउंट करोगे तो वो आप लोगों की माइट भी वैल्यू ये आ रही हो, उसको मजीद 1 साल डिस्काउंट करोगे तो फिर वो ये आ रही होगी। लेकिन हम लोगों ने तो जो है डायरेक्ट प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली ना जीरो के हिसाब से जी। तो जरा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18, ऑटम 20 का क्वेश्चन है। अराउंड 16 जून 2020 एन एयरक्राफ्ट सुकून एयरलाइन लिमिटेड मेड एन एमरजेंसी लैंडिंग नियर अ फैक्ट्री बिल्डिंग। दो ऑल पर्सन ऑन बोर्ड वर सेफ, द नियर बाय फैक्ट्री वॉज डैमेज, एज अ रिजल्ट 2 फैक्ट्री वर्कर लॉस देयर लाइव एंड 5 वर्कर वर इंजर्ड। ठीक है, कह रहे हैं कि आप लोगों का कोई एयरलाइन यानी कंपनी है, एयरलाइन है, और उसका कह रहे हैं कि एयरक्राफ्ट उसको एमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ी है। ऑल दो पैसेंजर्स को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उधर जो फैक्ट्री थी वो फैक्ट्री डैमेज हुई, और उधर जो वर्कर थे उनमें से 2 वर्कर की डेथ हो गई है और कुछ इंजर्ड भी हो गए। अच्छा, आगे आपको कह रहे हैं आफ्टर 1 वीक ऑफ दिस एक्सीडेंट Company CEO informed in the press conference that company will pay 1.5 million for each loss of life and 1 million for each injured worker. Injured kitna hue the aapke? 5. Acha, 5 injured hue the aur 2 ki death hui thi. To keh raha hai ke aapke CEO ne, acha ye incident kab hua tha? 16th June ko, keh raha hai iske hafte ke baad, ठीक है, हफ्ते के बाद, इसका मतलब मोस्ट प्रोबली आप लोगों का कोई 23 जून हो गया होगा। तो आप लोगों का ईयर एंड क्या है? 30. अच्छा 30 जून, तो इसका ईयर एंड से पहले आपके सीईओ ने जाके कॉन्फ्रेंस के अंदर कह दिया है, पब्लिक अनाउंसमेंट कर दी कि जिन लोगों की डेथ हुई है उनको मैं 15-15 लाख, और जिनको इंजरीज हुई है उनको 1-1 मिलियन यानी 10-10 लाख डैमेजेस दिए जाएंगे। अच्छा, अगर मैं अब यहीं तक की बात करूं, क्या ये आपके से लीगल ऑब्लिगेशन थी? नहीं, लेकिन जब आपने पब्लिक अनाउंसमेंट जाके कर डाली तो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन तो बन गई, ठीक है। और चूंकि आप लोगों ने लोगों के जेन में एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर डाली है, इसका मतलब आपका एक्सपेक्टेड आउटफ्लो भी है और रिलायबल एस्टिमेट भी है। देखें 1.5 × 2 करूं 3 मिलियन, और 5 × 1 करूं 5, तो 3 + 5 तो 8 मिलियन की आपको प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगी। अच्छा, आगे कह रहे हैं ऑन 8 जुलाई 2020 द फैक्ट्री ओनर फाइल्ड अ क्लेम ऑफ 25 मिलियन फॉर फैक्ट्री डैमेजेस। अब वो कह रहे हैं जिस बंदे की फैक्ट्री डैमेज हुई थी, आफ्टर रिपोर्टिंग डेट उसने केस कर दिया आप पे कि जी 25 मिलियन निकालो। अब बेशक केस बाद में किया, लेकिन किस वजह से किया? जो एक्सीडेंट हुआ था तो वो ऑब्लिगेटिंग इवेंट तो ईयर एंड से पहले हो चुका है, इसका मतलब है तो ये एडजस्टिंग इवेंट। लेकिन अब आगे पढ़ते हैं डेटा क्या दे रहे हैं। कह रहे द केस इज स्टिल पेंडिंग, हाउएवर कंपनीज लीगल एडवाइजर इज ऑफ द व्यू दैट देयर इज 70% प्रोबेबिलिटी दैट अमाउंट ऑफ डैमेजेस वुड बी 20 मिलियन एंड 30% प्रोबेबिलिटी दैट अमाउंट वुड बी 15 मिलियन। पहले तो बताएं मल्टीपल आउटकम आ गए ना, रिकरिंग आइटम है नॉन रिकरिंग? नॉन रिकरिंग हो तो क्या करते हैं? मोस्ट लाइकली आउटकम लेते हैं, वो कितना है? तो इसका 20 मिलियन की आपको प्रोविजन इसकी भी क्रिएट करना होगी।
अच्छा आगे कह रहे ड्यू टू द एक्सीडेंट द एयरक्राफ्ट वॉज डैमेज बियॉन्ड रिपेयर एंड कॉन्सिक्वेंटली कंपनी कैन नॉट यूज दिस एयरक्राफ्ट एनी मोर। कह रहे कि एयरक्राफ्ट आपका डैमेज हो गया, अब यूज के काबिल नहीं रहा, इसलिए आप इसको मजीद इस्तेमाल नहीं कर सकते। द एयरक्राफ्ट वॉज एक्वायर्ड ऑन लीज ऑन मंथली रेंटल $0.5 million फॉर 10 months एक्सपायरी ऑन 31 अक्टूबर 2020। कह रहे ये हमारा एयरक्राफ्ट अपना नहीं था, लीज पे लिया हुआ था और कह रहे कि लीज का पीरियड था 10 months और वो October 31st को एक्सपायर होना था। कह रहे एज पर द लीज एग्रीमेंट इफ एयरक्राफ्ट फेस एनी एक्सीडेंट कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पे मंथली रेंटल टू द लेजर टिल सेटलमेंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम। कह रहे एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ था कि अगर खुदा ना खास्ता एक्सीडेंटली डैमेज होता है एयरक्राफ्ट तो जब तक इंश्योरेंस वाले उस लेजर को उस लीजिंग कंपनी को क्लेम नहीं दे देंगे आप किस्तें भरते रहोगे। अब हुआ क्या, कह रहा इंश्योरेंस क्लेम वो सेटल्ड ऑन 31 अगस्त। कह रहा अगस्त में जाके क्लेम सेटल हुआ। अच्छा जून के अंदर एयरक्राफ्ट डैमेज हो गया, इसका आपने इस्तेमाल करना छोड़ दिया। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 4 महीने अभी उसके रहते थे लीज टेन्योर के, ठीक है, लेकिन क्योंकि यूजलेस हो गए इस्तेमाल करना छोड़ दिया। कहता है एग्रीमेंट में उसने ये लिखा हुआ था चलो पूरा 4 महीने का ना देना पैसे लेकिन जब तक क्लेम नहीं मिलता तब तक देना। तो क्लेम कहता किस दिन मिला, आज 30 जून है और फर्दर डेवलपमेंट मुझे ये नजर आ गई कि जुलाई का अगस्त का पैसा मुझे देना पड़ेगा क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअली बाउंड हूं। क्या फायदा मिल रहा है उसे, तो ये क्या बन गया, हाँ ये आप लोगों का ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट हो गया है क्योंकि देखे ना कॉन्ट्रेक्चुअली मैं बाउंड हूं, अगले 2 महीने मैंने पैसे देने बट बेनिफिट तो कोई नहीं मिलना, तो ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या पड़ा हुआ, जब नुकसान हो तब जाके रिकॉर्ड किया करें, नहीं पहले से ही प्रोविजन क्रिएट कर देनी चाहिए। इसका मतलब आप लोगों को एंटीसिपेटेड लॉसेस की प्रोविजन बुक करना होगी। अच्छा इसमें ना कई स्टूडेंट ने पेपर में इस तरह किया था कि जी 0.5 मिलियन इंटू टू, ठीक है 0.5 मिलियन था ना इसका रेंटल, तो 0.5 मिलियन इंटू टू करके कई स्टूडेंट ने डाल दिया था। इस तरह 0.5 मिलियन कौन सी करेंसी है, क्या आपकी होम करेंसी डॉलर थी, नहीं, तो आप लोगों ने उधर ये नहीं लिखा ना कि $1 मिलियन की प्रोविजन डाल दो, आप लोगों को कहना पड़ेगा $1 मिलियन को एक्सचेंज रेट के मुताबिक पाक रुपए में कन्वर्ट करके जो फिगर आएगी उसकी प्रोविजन डालो, ठीक है। मतलब देखे ना यूएस डॉलर आपके लिए फॉरेन करेंसी है। अब जिस टाइम में ये आया है ना उस वक्त IS-21 एक्सचेंज रेट से रिलेटेड है, वो सिलेबस का पार्ट है, आप लोगों ने भी पढ़ना है अभी, ठीक है। तो जब पेपर में आप प्रिपेयर होने जाते हैं आपने तो पूरा स्टैंडर्ड पढ़े होते हैं सिलेबस के, तो उस वजह से ना उसने फॉरेन करेंसी का पॉइंट डाल दिया था। तो उसमें आपने ये नहीं लिखना $1 मिलियन की प्रोविजन डाल दो क्योंकि आपकी होम करेंसी रुपीज है, तो आप लोग कहेंगे $1 मिलियन को एक्सचेंज रेट पे कन्वर्ट करके जो अमाउंट आती है उतने रुपीज की प्रोविजन डलेगी। हाँ अब एग्जामिनर ये भी कर सकता है कि आप लोगों को ना एक्सचेंज रेट्स दे दे, ठीक है, वो जब IS-21 पढ़ेंगे तो हम देखेंगे किस वैल्यू को किस रेट पे कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो इस टाइप के इश्यूज वगैरह भी वो आपके पेपर में डाल सकता है। कर लेंगे अब इस क्वेश्चन को। अच्छा इसी तरह ना आप लोगों ने इसका क्वेश्चन चले क्वेश्चन 19 निकालें, इसको जरा डिस्कस करते हैं, ठीक है। 17 अभी नहीं हो सकता, वो इफ्रिक 1 अभी मैंने नहीं कराया, 17 भी नहीं हो सकता और 21 भी नहीं हो सकता, वो दोनों इफ्रिक 1 के हैं, ठीक है। 19 को चले भी देख लेते हैं थोड़ा, नहीं स्प्रिंग 21 कल नहीं जी। कह रहा फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन अज्यूम दैट टुडे इज फरवरी 1
2021. You are the finance manager of Tibet Limited. You are finalizing financial statement for the year ended 31st December. CE, then chief executive of company had sent the following email. अच्छा, कह रहे अब आप लोग फाइनेंस मैनेजर हैं और जो चीफ एग्जीक्यूटिव उसने आपको ये चीजें भेजी हैं, क्या कह रहे 2020 टफ ईयर, और आप कह रहे फॉर टीएल ड्यू टू कोविड 19 द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इज एक्सपेक्टेडली वेरी लो एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, हाउएवर आई हैव आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग मैटर विच मे इंप्रूव कंपनीज प्रॉफिट फॉर 2020. अच्छा, कह रहे आप लोग फाइनेंस मैनेजर हैं और आपको जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उसने आपको कहा है कि क्योंकि ये साल हमारे लिए कोविड 19 की वजह से बहुत कम यानी था, एडवर्स था और इसके से हमारे प्रॉफिट कम हुए हैं, तो ये कुछ स्टेप्स ले लो तो प्रॉफिट में इम्प्रूवमेंट आ सकती है. अच्छा, देखें हम लोगों ने चलना होता है ट्रू एंड फेयरनेस के हिसाब से. अगर तो वैलिड पॉइंट है फिर तो इनकॉर्पोरेट कर देने चाहिए, लेकिन अगर कहीं वो मिसरिप्रेजेंटेशन करने की कोशिश कर रहा है तो वो फिर हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं होता. बरल देखते हैं फर्स्ट पॉइंट. कह रहा हूं 25 जनवरी 2021. अच्छा, आप लोगों का ईयर एंड क्या था? दिसंबर 20 आपका ईयर एंड है. कह रहे हैं कि 25 जनवरी 2021 को गवर्नमेंट हैज एनेक्टेड अमेंडमेंट इन द इनकम टैक्स लॉ टू रिड्यूस द रेट ऑफ इनकम टैक्स फॉर कंपनी बाय 10% फॉर 3 ईयर इंक्लूडिंग 2020. कह रहा रिपोर्टिंग डेट के बाद गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि हम लोग 3 साल के लिए इनकम टैक्स रेट रिड्यूस करने लगे हैं और इसमें 2020 वाला ईयर भी शामिल है. अच्छा, अभी मैंने आप लोगों को IAS 12 नहीं पढ़ाया, ठीक है? पेपर में जब जाते हैं तो पढ़ के गए होते हैं. IAS 12 में आप देखेंगे स्टैंडर्ड कहता है कि रिपोर्टिंग डेट पे जो एप्लीकेबल टैक्स लॉ और टैक्स रेट था अप्लाई वही होना होता है. क्या ये अनाउंसमेंट रिपोर्टिंग डेट पे हो चुकी थी? नहीं, तो इसका मतलब उस वक्त तो हाई रेट जो था वही चलेगा. अब बेशक रिपोर्टिंग डेट के बाद अनाउंसमेंट हुई, उन्होंने कहा जी पिछले साल का भी हमने रेट कम कर दिया, लेकिन हम जो टैक्स कंप्यूट कर रहे होंगे वो रिपोर्टिंग डेट के हिसाब से कर रहे होंगे, ठीक है? क्या चीज यदि अप्लाई नहीं होना फिर गवर्नमेंट एक्चुअली देखे ना, ये उसमें अगले साल जब टैक्स जमा कराने लगेंगे उस वक्त वो आपसे रिड्यूस रेट से लेंगे, वो फिर उधर हम प्रोविजन एडजस्ट करेंगे. हाँ जी, तो उसमें तो हम अप्लाई कर रहे हैं. देखें, आपने सिर्फ एंट्री डालते वक्त नहीं करना, बट जब टैक्स पे करने जाओगे उस वक्त वो होगा. नेक्स्ट ईयर में लॉसेस, हाँ वो नेक्स्ट ईयर में एडजस्टमेंट उसकी डलेगी. मतलब अभी आज तो मुझे यही पता ना मेरा टैक्स बनता है 1,00,000 रुपया, मैंने 1,00,000 रुपये से प्रोविजन क्रिएट कर दी. जब रिटर्न फाइनल हुई टैक्स वालों का, नहीं हमने तो रेट कम कर दिया तुम 80,000 दो, तो उससे वो 20,000 की रिवर्सल डलेगी. वो जब IAS 12 पढ़ेंगे ना उसमें समझ आएगा कैसे एडजस्टमेंट डालते हैं. अच्छा जी, आगे देखते हैं. सेकंड पॉइंट में आपको कह रहे हैं एक्सचेंज रेट हैज राइजन फ्रॉम 150 पर US डॉलर टू 31st December टू 162. कंपनी हैज सिग्निफिकेंट रिसीवेबल इन US डॉलर ड्यू टू एक्सपोर्ट सेल्स. कह रहे हैं एक्सचेंज रेट्स जो है ना, पहले 150 रुपया था, अब रेट हो गया 162 रुपये. तो कह रहा है हमारे तो काफ़ी कस्टमर हैं जिनसे हमने US डॉलर में पैसे लेने हैं, तो आप ऐसा करो रेट नया वाला लगा दो, ठीक है, ताकि हम लोग उसको एडजस्ट कर दें, ठीक है? अब अगेन IAS 21 अभी आपने नहीं पढ़ा, वो आपको बताता है कि किन चीज़ों पे रिपोर्टिंग डेट वाला रेट लगना होता है, किन चीज़ों के ऊपर ट्रांजेक्शन डेट वाला रेट लगना होता है, किन चीज़ों पे एवरेज रेट लगना होता है. क्या पूरा साल फॉरेन करेंसी रेट सेम रहता है? नहीं, दिन में कई दफ़ा चेंज हो जाता है. तो अब उसके लिए ना फिर स्टैंडर्ड ने गाइड किया हुआ है, वहाँ पर इंशाल्लाह आप देखेंगे कुछ मॉनेटरी एसेट्स होते हैं, कुछ नॉन मॉनेटरी एसेट्स होते हैं. मॉनेटरी एसेट को हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग डेट पर रिट्रांसलेट कर दिया करो. तो रिपोर्टिंग डेट पर उसने क्या रेट दिया था? 150. ये 162 कब हुआ है? क्या एक्सचेंज रेट है राइजन फ्रॉम 150 यूएस डॉलर ऑन दिस टू 162. अच्छा ठीक है, तो उसमें मसला ये होता है कि अगर रिपोर्टिंग डेट पे वो रेट चेंज हो गया हुआ है फिर तो लाजमी हमने उसको रिट्रांसलेट वगैरह करना होता है, अदरवाइज हम लोग इनको नहीं किया करते. खैर, वो IAS जब 21 पढ़ेंगे तो फिर आपको पता चलेगा मॉनेटरी एसेट में क्या कुछ लेना है और नॉन मॉनेटरी एसेट्स में
क्या आता है, और नॉन मॉनेटरी एसेट को अगर रीवैल्यू करना है तो फिर उस सूरत में कैसे उसके एडजस्टमेंट्स वगैरह डाली जाती हैं। तो खैर अगर तो ये रिपोर्टिंग डेट के ऊपर रेट चेंज हो चुका है फिर तो ये एडजस्ट होना था, लेकिन अगर रिपोर्टिंग डेट के बाद रेट रिवाइज हुआ है तो फिर जरूरत नहीं होती। आगे कह रहे हैं मेजर लोकल कस्टमर हैज सेटल्ड हिज फुल बैलेंस आफ्टर रिसीविंग बैंक लोन लास्ट ईयर। At year end, customer was facing financial difficulty and therefore company has provided 40% of his balance as doubtful receivable. कह रहा हमारा एक major customer था, financial difficulties में था, हमने उसके लिए 40% bad debt का allowance create कर दिया। कह रहा कि reporting date के बाद उसने bank से loan लिया, ठीक है, और अब वो कह रहा कि उसके हालात बेहतर हैं कुछ, यानी वो आपको ये कहना चाह रहा है वो जो 40% allowances वो bad debt create किया ना उसको ख़त्म कर दो, ठीक है। क्या रिपोर्टिंग डेट पे ऐसी कोई इंडिकेशन थी? नहीं, उस वक्त के मुताबिक तो यही है 40% मिलने के चांसेस नहीं है, तो प्रिंसिपल इसको रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। आगे कह रहे हैं दिसंबर 2020 गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ कंपनसेशन स्कीम फॉर एंटिटीज व्हिच हैव नॉट टर्मिनेटेड एनी एम्प्लॉय इन 2020। अंडर द स्कीम दिस एंटिटी वुड बी रीइंबर्स 25% ऑफ सैलरी एक्सपेंसिस ऑफ 2020। कंपनी वुड इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग रीइंबर्समेंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट। रीइंबर्समेंट माई टेक फ्यू मंथ्स। अच्छा, कह रहा है कि दिसंबर 2020 में आप लोगों का ईयर एंड क्या था? दिसंबर ही था। कह रहा है दिसंबर 2020 में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि कोविड के बावजूद जिन कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज़ को नहीं निकाला, मतलब देखे ना काम रुक गया है तो तरीका होता है एम्प्लॉयज़ को निकाल दो पैसे बच जाएंगे, तो कहते हैं उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने इस तरह का गेस्चर दिया और अपने एम्प्लॉयज़ को नहीं निकाला तो गवर्नमेंट कहती है हम उनको कॉम्पनसेट करेंगे, हम 25% ऑफ सैलरी उनको दे देंगे। और कहता है कि हम लोगों ने सोचा है कि हमारा ज़रा ऑडिट वगैरह कंप्लीट हो जाए उसके बाद ये हम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे कि जी दो हमारे पैसे, और कह रहा है पैसे मिलने पे कई महीने अभी लग जाने हैं। तो अब रिपोर्टिंग डेट पे ये अनाउंसमेंट वैसे हो चुकी है कि नहीं? हो चुकी हुई है, तो एक्सपेक्टेड इनफ्लो भी है, अमाउंट का भी एस्टिमेट किया जा सकता है, 25% ऑफ सैलरी कह रहे हैं ना, इस हिसाब से फिर इसको क्या करना चाहिए, इसको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, यानी आप लोगों का वर्चुअली सर्टन एसेट बन रहा है, तो साहब आपको इसको कॉन्फर्म कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये उसने इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा हुआ था। तो अब फिलहाल इसको यहां तक हम रहने देंगे, नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह जब मंडे को होगी ना तो मैं आपको इफ्रिक 1 इसका कराऊंगा, ठीक है, ताकि फिर उसके जो 2-3 क्वेश्चन है वो करके ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाए।